हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग FHT01 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी ब्लॉक 7 की जो है हम लोग वीडियो लेके आए हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली इस जो है ब्लॉक 7 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोगों को PDF परचेस करना है, PDF की फी 20 रुपीज है। आप देखिए, PDF इसलिए परचेस ना करें कि PDF को पढ़कर ही आप लोग पास कर जाएंगे। देखिए, ये टोटली एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन सेट करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखिए, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि FHT1 जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और उसमें से जो है क्वेश्चन निकाल कर दिया जाता है। लेकिन मैंने जो PDF बनाया है या फिर मैंने जो PDF आप लोगों के लिए अभी तैयार किया हुआ है या फिर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जो आपके बुक्स में दिए हैं, ठीक है। बुक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चन मैच कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन मैच ही नहीं करे, लेकिन इतना आप लोग जरूर आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि अगर बुक से मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर करा रहा हूँ तो डेफिनेटली सेम क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं करता है लेकिन नियर बाय That, मतलब क्वेश्चन के नियर बाय क्वेश्चन जो है हमारे जो बन पाएंगे वो सारे क्वेश्चन आने के पूरी संभावना है, ठीक है। तो हम हमारे साथ जुड़ जाएं। और देखिए, मेन बात है क्या कि आपको ये जो FHT01 है इसमें आप लोग बेसिकली अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप आसानी से इसमें पास कर जाओगे और अच्छे मार्क्स ले आओगे। लेकिन जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो अभी थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दे दें, ठीक है। आपको जो FHT01 की जो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो है आपके बेसिकली बुक में लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है और जिसको मैंने चर्चा किया है। अब देखिए, मैं एक वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, आप थोड़ा उसी थोड़ा सा भाष तरीके से पढ़ लें, हो जाएगा आपका कवर, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं इस वीडियो पर। और जिसे भी PDF परचेस करने हो आपको जो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने परचेस कर चुका है पिछले कई साल में, हमारी वीडियो जरूर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं FHT01 की। सो इस बार हमने पूरा इसे कवर कराने का ये किया है। अगर आपको PDF परचेस नहीं करना है तो भी वीडियो सारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो पे। देखिए, आज हमारा जो है ये है ब्लॉक 7, ठीक है, जिसका नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे कैसे विज्ञान जो है हमारे भारत में विकास हुआ इसका, उसके बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मैच कर जाए, ठीक है। बाकी आप भी इन सभी टॉपिक से जितना हो सके आप क्वेश्चन निकाल के आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा बेसिकली होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का नाम पूछ दे तो ये एजोटोबैक्टर है, ठीक है, इसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, निर्वात में गमन करने वाली तरंगें क्या कहलाती है। निर्वात में, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वात में गमन करने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती है, तो इसे बेसिकली जो है हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो होती है ये निर्वात में गमन करती है। चलिए इसे भी देख लिया आप लोग, ठीक है। अभी देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय प्रक्रिया में मंदक का काम कौन जो है ये करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेफाइट होता है जो नाभिकीय जो है प्रक्रिया में जो है मंदक का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है नाभिकीय अभिक्रिया जैसे कि बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, तो उससे मतलब आप बैलेंस करने के लिए जो है बेसिकली ग्रेफाइट का यूज किया जाता है और ये मंदक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, अभिक्रिया को कम कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेजर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसे याद रखें कि लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली आप लोग दो चार फुल फॉर्म को याद कर लें क्योंकि एग्जाम में एक से दो फुल फॉर्म भी मतलब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा और उसके फुल फॉर्म को बताना पड़ता है आपको। अगला है हमारा क्वेश्चन कि प्रकाश की गति कितनी होती है।
तो इसे देखिए यहाँ पे किलोमीटर में लिखा हुआ है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 × 10⁵ किलोमीटर जो है प्रकाश अपना जो है दूरी तय कर लेता है, तो इतनी इसकी स्पीड होती है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर देखिए अभी के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ क्वेश्चन और पढ़ लें। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे कि देखा कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जो है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अगला है हमारा कि नाभिकीय ईंधन, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर जो है आप कह सकते हैं इसको फ्यूल के रूप में किस जो है तत्व का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा यूरेनियम-235। ठीक है, यूरेनियम-235 का यूज जो किया जाता है ये नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला है हमारा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक के मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अभी आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अर्धचालक का यूज कहाँ किया जाता है, तो अर्धचालक का यूज बेसिकली चिप वगैरह, चिप जो होता है हमारा माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह बनाने के लिए, या फिर कुछ भी मोबाइल वोबाइल में जो भी पार्ट्स वगैरह बनते हैं, कंप्यूटर में पार्ट्स बनते हैं, उसमें बेसिकली अर्धचालक का यूज किया जाता है, समझे ना। और इसे इसमें भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन हो जाता है हमारा अर्धचालक। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइट हो गया, इंडियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे जो है अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है कि मोबाइल के चिप में या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इन ऑप्शन में से किसी एक का भी नाम दिया हुआ रह सकता है वहां पे, तो आप इसे देख लें, ये होता है। अगला है हमारा कि E=mc2। ठीक है, E=mc2 का जो है ये फॉर्मूला किसने दिया था। ठीक है, तो E=mc2 जो है फॉर्मूला ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जियो स्टेशनरी जो होता है सेटेलाइट, ये जो है कितने देरी में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का परिक्रमा 24 घंटे में कर लेता है। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है ये जियो स्टेशनरी जो है उपग्रह जो होता है, ये बेसिकली जो होता है जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। अगला है हमारा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, अभी पूछ दिया जाएगा कि किस किन किन गैसों का संलयन होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, वैसे भी याद रखें कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये बेसिकली जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला है हमारा रोबोट। रोबोट अभी जैसे कि जितनी ज्यादा जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो रोबोट का यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि रोबोट क्या है, तो रोबोट जो होता है कंप्यूटरीकृत बहुप्रयोजनी और पुनः प्रोग्रामित होने वाली मशीन है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखें, इसके बारे में भी आपके जो है बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग, जीन संवर्धन। ठीक है, देख सकते हैं जीन संवर्धन। ठीक है, इसको ये क्या होता है बेसिकली, जीन संवर्धन क्या होता है, तो जीन संवर्धन कहते हैं हम लोग जब डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जीन संवर्धन कहलाता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना जीन संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा कि अर्धचालक युक्ति जो संकेतों को प्रवाहित करने के काम आती है उसे क्या कहते हैं। अर्धचालक सबसे पहले इसे हमने जो है इसे रिलेटेड क्वेश्चन किया कि अर्धचालक जो है बेसिकली सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, इंडियम या एंटीमोनाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि अर्धचालक युक्ति जो संकेतों को प्रवाहित करने के काम आती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो ये बेसिकली हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा जल जनित रोग कौन सा है, कौन ऐसा रोग है जो जल यानी कि प्रदूषित जल के कारण होता है। ठीक है, तो जल जनित रोग जो होता है हमारा वो डायरिया होता है। ठीक है, इसे भी याद रखें आप लोग। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम अगर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जल जनित रोग दिया है तो वायु से फैलने वाले रोग, संक्रमण रोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का जितना भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, और बेसिक क्लियर हो जाने से आप लोग आसानी से वहां पे जो है अच्छे मार्क्स ले आओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर,
देखिए अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर था लाइका कुत्ता, ठीक है। लाइका नाम का एक कुत्ता था जिसे अंतरिक्ष में सर्वप्रथम बार लेके जाया गया, ठीक है। ये पहला जानवर था हमारा। इसे कब भेजा गया, तो इसे जो है 3 नवंबर 1957 ईस्वी, ठीक है, 3 नवंबर 1957 को इसे जो है भेजा गया था अंतरिक्ष में। अगला जो है हमारा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार जो है घट जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा समय आएगा कि 17 या फिर कुछ गुना ऐसा होता है कि बढ़ा देने के बाद वहां पे चीजें जो है तैरने लगेगी, ग्रेविटी लेस हो जाएगा वो जगह, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देख लें। अगला है हमारा संचारी रोग, ठीक है, जो संक्रमण के द्वारा फैलता है, ये कौन कौन सा रोग है, तो इसे देख लें। हैजा होता है, तपेदिक होता है, चेचक होता है, जुकाम होता है, ये सारा जो है संक्रमण वाला रोग है। जो आप किसी के संपर्क में आते हैं तो फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर का नाम, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वदेशी कंप्यूटर का नाम, ठीक है, स्वदेशी कंप्यूटर जो भारत का पहला था वो था परम 8000, ठीक है, इसे याद रखें आप लोग, परम 8000। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे निम्न किस्म का कोयला जो होता है वो लिग्नाइट होता है, ठीक है, और सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, तो इसे भी आप लोग याद रखें। यहाँ पे देखिए निम्न किस्म, ठीक है, और ये उच्च किस्म का कोयला, निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट और उच्च किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट, ठीक है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इसे जे.जे. थॉमसन ने किया था, कब, 1897 ईस्वी, ठीक है, 1897 ईस्वी में जे.जे. थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ई. गोल्डस्टीन ने किया था 1886 यानी 1886 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ये कब किया था, 1931 ईस्वी में, इसे भी याद रखें आप लोग, बेसिकली इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, तो इसे रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में जो है इसका खोज किया था, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखें। इलेक्ट्रॉन का जे.जे. थॉमसन 1897, प्रोटॉन का ई. गोल्डस्टीन 1886, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1931, परमाणु का नाभिक का रदरफोर्ड 1911 ईस्वी। अगला है हमारा जंग बचाओ, ठीक है, बेसिकली जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग बेसिकली गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण, ठीक है, या जस्तालेपन, ये सारी चीजें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जंग बचाव के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जस्तीकरण करना पड़ता है, इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा धातु को चादर में बदलने की जो है प्रवृत्ति जो होती है, धातु का यह गुण क्या कहलाता है, तो धातु का यह गुण जो होता है जिसमें उसे की चादर में बदला जा सके, ये अधातुवर्तनीयता कहलाता है, ठीक है, अधातुवर्तनीयता, ठीक है। अगला है कि धातु को तार में बदलने के लिए, यानी कि तार बनाने के लिए धातु का जो यह गुण होता है ये उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा बेसिकली तन्यता का गुण के कारण जो है धातु का तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला है हमारा ओजोन परत क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CFC भी कहते हैं, तो उसके कारण भी होता है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अगला है हमारा DNA का फुल फॉर्म, तो DNA का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसे भी आप लोग याद रखें, ठीक है। अनुवंशिकता की इकाई अगर पूछा जाए तो उसे भी जीन या फिर DNA आपका आंसर हो जाएगा, DNA ले तो DNA दे दीजिएगा, जीन ले तो जीन दे दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की जो है ब्लॉक 7 की टॉप जो है पॉइंट्स थे, जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत प्रबल चांसेस बनते हैं, तो इसे भी आप लोग देखें। और अगर वीडियो जो हमने FHT सीरीज की है उसे भी आप लोग देखें। PDF चाहिए तो मैंने पहले भी बताया कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग कॉल नहीं करें। कॉल देखिए, कॉल क्या होता है कि कॉल करने से बहुत ही ज़्यादा कॉल एक ही बार में आने लगते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आप लोग जो है बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हमने ऑलरेडी PDF सेंड कर चुका है, और डेफिनेटली ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। लास्ट हमारी टॉपिक बची हुई है, उसे कवर करेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। धन्यवाद।